हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट एक्शन कैमरा जो कि आते हैं अंडर 5000 रुपीज़। क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, ये जो प्राइस सेगमेंट है 5000 का, इसके अंदर काफ़ी सारे कैमराज आते हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन से हैं और कौन से बेस्ट सेंसर्स के साथ आते हैं, ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप एक रॉन्ग एक्शन कैमरा ले लेते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो बाद में आपको काफ़ी ख़राब लगता है क्योंकि आपके इतने पैसे जा चुके होते हैं ऑलरेडी। तो चलिए अब जानते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट में कौन से एक्शन कैमरा सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्राइस रेंज में जो हमारे पास सबसे पहला कैमरा है वो है SJCAM 4000, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्शन कैम है इस प्राइस रेंज में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps तक। इसमें आपको 170 डिग्री का वाइड एंगल व्यू मिल जाता है, वाईफाई के साथ आता है, तो इससे आप अपने कैमरा को ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी केसिंग को यूज़ करते हैं तो ये 30 मीटर तक अंडर वाटर वर्क करता है। और इसमें आपको मिल जाती है 2 इंच की LCD डिस्प्ले। और अगर बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 900 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको बैकअप देती है लगभग 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का। और जब आप इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो इसमें आपको लग जाएंगे लगभग 3 आवर्स। वीडियो क्वालिटी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी मिलेगी इसमें आपको। और अगर मैं एक्सेसरीज़ के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको ऑल नीडेड एक्सेसरीज़ मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैमरा के बारे में। तो हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट कैमरा है वो है कैमपार्क की तरफ से। तो कैमपार्क एक्ट 7.6 कैमरा आप इससे भी परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कैमरा है। और इसमें आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसकी हेल्प से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30fps तक। और इसमें आपको मिल जाता है 170 डिग्री वाइड व्यू और वायरलेस रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, वाईफाई इनबिल्ट है, ऐप के थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और केसिंग के साथ 30 मीटर इसे भी यूज़ कर सकते हैं अंडर वाटर। और बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 1050 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इस कैमरे के साथ आपको 2 बैटरी मिलती हैं बॉक्स में ही, जो कि बैकअप देती हैं 90 मिनट्स का, तो लगभग 1.5 घंटा आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो चार्जिंग भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, लगभग 2 घंटे में ये बैटरी चार्ज हो जाती है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैमरा है आपके लिए वो है प्रोकस की तरफ से, जो कि है वाइपर, काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो चलिए अब इसके थोड़े फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसकी हेल्प से आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। 140 डिग्री का वाइड फील्ड विजन इसमें आपको मिल जाता है, वाईफाई और ब्लूटूथ ये दोनों ही चीज़ें इस एक्शन कैमरा में आपको मिलती हैं। 1050 mAh की बैटरी है। और इसमें जो स्टोरेज ऑप्शन है वो 64GB तक है, क्लास 10 का मेमोरी कार्ड आप इसमें यूज़ करेंगे। और मोड्स की अगर बात करूँ तो स्लो मोशन, लूप रिकॉर्डिंग, टाइम लैप, ये सारी ही चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। 2 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अंडर 5000 रुपीज़ में ये। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्शन कैमरा है वो है अगेन SJCAM की तरफ से, SJCAM 4000 Air। अब ये जो कैमरा है ये आपको 5000 रुपीज़ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। तो ये मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कैमरा है। तो इसके फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, SJ 4000 में आपको 12 मेगापिक्सल का मिल रहा था। और इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग 30fps तक मिल जाती है, वाईफाई इनबिल्ट है और 170 डिग्री का वाइड एंगल व्यू आपको इसमें मिल जाता है, 2 इंच की LCD डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है, 64GB का अप टू मेमोरी कार्ड सपोर्ट इस एक्शन कैमरा में आपको मिल जाता है, 30 मीटर्स तक अंडर वाटर वर्क करता है ये अगर आप इसकी केसिंग को यूज़ करते हैं। और इस एक्शन कैमरा में आपको डिजिटल और ऑप्टिकल दोनों ही जूम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एक अच्छा एक्शन कैमरा लेना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे लिए इसका जो सबसे लास्ट एक्शन कैमरा है वो है नॉइस की तरफ से प्ले व्लॉग एडिशन। तो इसकी अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इसका USP है इस एक्शन कैमरा की, तो इसमें आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इस
एक्शन कैम के अलावा किसी और में नहीं मिलता है, तो आप एक एक्सटर्नल माइक भी इस कैमरा में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि हेल्प करता है 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड करने में। इसी के साथ इसमें आपको वाईफाई मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी इसमें आपको मिल जाता है। 170 डिग्री का वाइड एंगल व्यू इसमें आपको मिल जाता है। अंडर वाटर इसे यूज कर सकते हैं। काफी सारे इफेक्ट्स इसमें मिल जाते हैं, बर्स्ट मोड मिल जाता है, स्लो मोशन, तो काफी अच्छा पैकेज है। तो ये थे वो 5 एक्शन कैमरा जिसको आप परचेस कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। और अगर अभी भी आपके मन में इन कैमरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में।